हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जॉब भी आप ट्रेनिंग में जाते हो, चाहे आर्मी में आप वोमेन जा रहे हो, एज ए वोमेन मिलिट्री पुलिस, या फिर मेल में जाते हो, कोई भी एंट्री करते हो अग्निवीर या फिर परमानेंट के, क्या आपके खाना एक जैसा होता है या फिर वहां पर भी खाने में आपके अग्निवीर या फिर परमानेंट अलग अलग होता है, क्या टाइमिंग रहता है खाने में, वेज वाले क्यों वहाँ पर ज्यादा रोते हैं, नॉन वेज वाले क्यों ज्यादा रोते हैं, वहाँ पर क्या दिक्कत है, सारे चीजें बताऊंगा। साथ में थोड़ी फनी एक्सपीरियंस में अपनी ट्रेनिंग का भी आपको बताना है चाहूंगा यहाँ पर, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है, वीडियो के एंड तक देखना, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, उसको प्लीज ज्वाइन कर लेना। आपके जैसे 2600 कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं बताना चाहूंगा, पहले आपका स्टार्टिंग में अगर आपकी एक डाउट है कि अग्निवीर का अलग, परमानेंट का अलग, वोमेन मिलिट्री पुलिस जो लड़कियां भर्ती हो उसकी अलग, यहाँ पर क्लियरली आप हट जाइए आपके माइंड से कि यहाँ पर खाना सबका सेम होता है, बराबर होता है। दूसरी बात, आपकी एक राशन स्केल होता है जहाँ पर देखिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी में, यहाँ पर उनको खाने के लिए अलग सा पैसा मिलता है। उनको 3000 अभी शायद फिलहाल 3900 रुपये यानी 4000 के आसपास मिल रहा है, लेकिन आपको क्या है, आपको फ्री में ये दिया जाता है खाने के लिए ना, आपको राशन मनी का आप क्लेम नहीं करते। आप शादी के बाद जब आप क्वार्टर में रहेंगे तब क्लेम कर सकते हैं, अभी आपको खाना मिलता है, उसके अलावा कोई पैसा नहीं मिलता, राशन मनी नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है कि देखिए, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो लड़ाई नहीं करते, वो सिर्फ देश की सिक्योरिटी के लिए है। अगर कल लड़ाई करते हैं तो लड़ता कौन है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसीलिए अगर राशन आपके हिसाब से, अगर आपसे पैसा लेके कटिंग करके फिर लाना, वो काफी मुश्किल हो जाता है। जो स्पेयर राशन रखा जाता है, अगर कल खुदा ना खास्ता लड़ाई लग गया तो उसके लिए वह राशन स्पेयर में रहता है, जिसको हम जीएस राशन कहते हैं, तो वहां पर आपके राशन कहाँ से आएगा। इसीलिए जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है वो आप अच्छा है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। अब आते हैं आपके खाने का शुरुआत से। देखिए, वेज और नॉन वेज के लिए कोई भी यहाँ पर ऑडिट होने की जरूरत नहीं है। नॉन वेज वाले को वहाँ पर मीट के ऑप्शंस मिलते हैं, चिकन, मटन मिलता है, और कहीं कहीं जगह पर जहाँ पर फिश अवेलेबल है वो भी उनको अवेल करवाया जाता है, साथ में अंडे भी उनको मिलता है। जो नॉन वेज वाले हैं, कुछ वो होते हैं सिर्फ दूध पीते हैं, जहाँ पर उनको जैसे 250 ग्राम नॉन मीटर को वहाँ पर 750 ग्राम नॉन मीटर जो होता है उनको हर दिन 750 ml का दूध मिलता है पीने के लिए, जो एक काफ़ी होता है मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट के लिए। और दूसरा, जो मीट खाता है उनको 250 ग्राम मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, 250 ग्राम उनको भी मिलता है। तो यहाँ पर आपकी जो टाइमिंग शुरू होता है लगभग 5 बजे, जिसको हम बोलेंगे बेड टी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आपकी चाय आ जाएगा आपके लिए। जितने भी आप स्टूडेंट एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए 5 बजे से शुरुआत होगा आपकी खाना। तो 5 बजे लगभग, हमारा तो 4:30 बजे के आसपास आ जाता था, आजकल थोड़ा सा लेट होने लग गया, आजकल थोड़ा सा ट्रेनिंग रिलैक्स कर दिया गया है। तो 5 बजे आपका लगभग चाय आ जाएगा, आप अपनी ग्लास लेंगे, बाहर रूम के बाहर आपकी चाय रख दिया जाएगा, आप जाएंगे या फिर मेस में रख दिया जाएगा, आप जाएंगे मेस से उठाएंगे और चाय पियेंगे, फिर आप फ्रेश होने के लिए चले जाएंगे आपकी उस दिन की जो भी शेड्यूल्ड होगा उस हिसाब से। करेक्ट आपके 8 बजे या फिर 7:30 बजे, वो डिपेंड करता है कि आपकी मौसम कैसा है, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग सेंटर है उस ट्रेनिंग सेंटर की मौसम कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है आपकी ब्रेकफास्ट का टाइमिंग। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर 7:30 बजे करवा दिया जाता है। मतलब पीटी के पहले 2 पीरियड होता है आपकी ट्रेनिंग में, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग पहले होता है 2 पीरियड, उसके बाद आपका क्या करवाया जाता है, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए आपको 40 मिनट मिलता है, 40 मिनट, ये नहीं सोचना कि मैं जाऊँगा और फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट करूँगा। तो वहाँ पर हालात ऐसे होते थे, मैंने और ट्रेनिंग में मैक्सिमम, मतलब अगर ट्रेनिंग को मैं 100% मानूँ, वहाँ से 60-70% डेज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। आप बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जैसे आप यहाँ से निकल गए, पीटी 2 पीरियड किया, आपने रगड़ा पट्टी खाए और सुबह फिजिकल ट्रेनिंग करके वापस लौटे, आपके पास 40 मिनट है। आप सोचिए, उस ग्राउंड में जैसे व्हिसिल बजता है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे, फिर ग्राउंड में जो सारे इक्विपमेंट्स लगे होंगे, यानी जो मैट लगा होगा जहाँ पर आपने सीखा है, उसको सब सारे क्लोज करके रखना है, फिर ग्राउंड से निकलना है, दौड़ के आना है वापस अपनी रूम में। रूम में जो सेकंड पीरियड है आपका, जैसे ब्रेकफास्ट के पास जो भी है, अगर ड्रिल है ड्रिल की ड्रेस, अगर W2 है ओपन ट्रेनिंग की ड्रेस, अगर आपकी क्लासेस है स्विमिंग है, जिस हिसाब से है उसी हिसाब से हर एक ट्रेनिंग का अलग अलग यूनिफॉर्म्स होता है जो आपको पहनना वहाँ पर अनिवार्य है, उसके साथ शूज भी होता है। उसके बाद जैसे आपका मान लीजिए 8 बजे के बाद आपका वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू है 8:30 बजे के बाद, और आप 1 बजे तक 12:40 या फिर 1:40 तक आप ट्रेनिंग करोगे, वहाँ से लेके आगे जितने भी ट्रेनिंग है 1:40 या 1 बजे तक, उसके जो जितने भी यूनिफॉर्म्स है वो साथ में कैरी करना। एक बार आप ब्रेकफास्ट करके निकल गए, फिर आप नहीं आओगे 1:30 बजे तक अपने रूम में, तो सारे ड्रेस आपने कैरी भी करना है पीछे आपकी। तो वहाँ पर हमें ड्रेस भी लेना होते थे, उसके लिए अलग शूज आता है, वो शूज भी कैरी करना होता है हाथ में, और साथ में आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट भी करना है। तो हम आते थे, फिर आपको कपड़े चेंज करना है फटाफट, और जो पीटी का जो कपड़े वो निकालना है, और साथ में क्या करना,
उस दूसरा वाला जो प्री पीरियड है, अगर ड्रिल पीरियड है मान लो, ड्रिल के कपड़े पहने और आगे जाके पीरियड अपना ट्रेनिंग है जाके वेपन ट्रेनिंग में, तो उसकी ड्रेस आपने साथ में कैरी किया, बैग में डालें और जो नोटबुक है लिखने वाला पढ़ने वाला वो सारे लिए और वहाँ पर जाना भी है और ग्राउंड में 5 मिनट पहले पहुँचना भी है। वहाँ पर जो दूसरे ग्राउंड होगा वो आपसे 1 किलोमीटर 500 मीटर दूर भी होगा, तो वहाँ पर दौड़ के पहुँचना है। तो इसके लिए आपको 40 मिनट मिलेगा, आपको मतलब वहाँ से आना, मतलब दौड़ के आओगे तो 10 मिनट लग जाते हैं, 5 से 10 मिनट वहाँ से दौड़ के आओगे। आने के बाद वहाँ पर जो आपने कपड़े चेंज करोगे, करने के बाद ब्रेकफास्ट करोगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर कपड़े पहनोगे, फिर कपड़े पहन के उस ग्राउंड में 5 मिनट पहले पहुँचना भी है। अगर लेट पहुँचे फिर रगड़ा पट्टी शुरू, तो आधा दिन तो रगड़ा पट्टी शुरू हो ही जाता है, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट हम लेट हो ही जाते थे क्योंकि बहुत मिनिमम टाइम रहता है। तो हम क्या करते थे, मैं सिंपली हाथ में, मतलब मैं नहीं, सारे के सारे ऐसे ही करते थे, हाथ में पूरी और उसके ऊपर सब्जी लेके दौड़ते रहो, खा के चलते रहो, ठीक है। नहीं तो हम जो हमारे को बैग्स मिलते थे पीछे डालने के लिए, जिसको हम पिट्ठू बोलते हैं, तो वहाँ पर उसमें डाल देते थे, एक पन्नी पन्नी में डाल देते थे, और अगर वहाँ पर अंडे वंडे है उसको भी डाल देते थे। वहाँ पर जाकर अगर ग्राउंड में टाइम मिलता है तो मतलब कर लेते थे। एक बार ऐसे ही हुआ था मेरे साथ, आपको स्टोरी बताता हूँ। तो ऐसे ही हमने उस दिन पूरी था और आलू की सब्जी थे, मुझे आलू की सब्जी बहुत पसंद है, और अंडे भी उस दिन बॉयल हुआ था। तो मैक्सिमम सुबह आपको अंडे भी बॉयल मिलेगा, मैं बताऊंगा अभी आपको खाने का स्ट्रक्चर, थोड़ा ये बता देता हूँ। तो वहाँ पर हम लोगों ने, हमारे स्क्वाड था तो वहाँ पर टाइम नहीं हुआ था, पीटी पीरियड में बहुत रगड़ा मिला, लेट छोड़ा हमारे को जानबूझ के, फिर यहाँ से हम ड्रेस चेंज किए। तो वहाँ जब तक पहुँचे तो ब्रेकफास्ट के लिए तो टाइम ही नहीं मिला, तो हमने बोला, वहाँ पर मैं लीडर था तो मैंने बोला भाई ऐसा करो अभी तो टाइम नहीं है, आप लोग ऐसा करो अपने सब इंडिविजुअल कैरी कर लो, पूरी और सब्जी कैरी कर लो, अंडे भी ले लो साथ में। तो सामने वाला यहाँ पर ना, जहाँ पर हम मैगजीन्स रखते हैं, जहाँ पर आप हथियार के, वहाँ पर हमने सारे खाने डाल दिए पन्नी पुन्नी में, जिसको जो मिला उसमें डाल दिया और भाग के ग्राउंड में पहुँच गए। तो ग्राउंड में हम जब तक पहुँचे थे वहाँ पर कम से कम लेट हो गया था, आई मीन 10 मिनट के आसपास लेट हो गया था। तो 10 मिनट लेट हो गया तो इस हिसाब से वहाँ पर और थोड़ा रगड़ा पट्टी ज़्यादा मिला वहाँ पर कि लेट क्यों है। तो आगे जितने भी सारे चीज़ें था वो क्रॉलिंग करके, क्रॉल में वो सारे चीज़ें वेस्ट हो गया था, ठीक है। तो ये इंसिडेंट हुआ था उस टाइम ट्रेनिंग पे। और उसके बाद अगर आप सुबह की बात करेंगे, सुबह आपको डाइट में कुछ चीज़ें मिल जाता है, लाइक कि सब्जी मिल जाएगा आपको खाने के लिए, पूरी मिल जाएगा, मैक्सिमम पूरी बनता है, और सब्जी मिल जाएगा। डिफरेंट दिन के अगर आपको डिफरेंट मेन्यू मिलेगा, किसी दिन आपकी उपमा बन गए, किसी दिन आपकी पोहे बन गए, तो ये डिफरेंट रहता है, पोहे के साथ चटनी रहता है, तो ये डिफरेंट रहता है, मतलब नॉन वेज कुछ भी नहीं बनता ब्रेकफास्ट में। फिर आप ट्रेनिंग में चले जाते हो, फिर 10 बजे 10 से लेकर 10:20 तक आपकी टी ब्रेक होता है, जहाँ पर आप स्नैक्स भी खा सकते हो, लाइक कि स्नैक्स मिलता है आपको, कुछ भी एक फ्राई चीज़ें मिलेगा और उसके साथ चाय एंड कॉफ़ी मिलेगा जो आपको अच्छा लगता है। मतलब आज अगर चाय बनता है कल कॉफ़ी बन जाएगा, और आज अगर कॉफ़ी बन रहा है कल चाय बन जाएगा, ऐसे मिक्स होता है। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए, उस हिसाब से आप चूज करके जिस दिन जो है आप अगर लेना चाहते हो ले सकते हो, बाकी उस टाइम अगर ग्राउंड से आपको आने के लिए टाइम तो मिलेगा नहीं, जो है वही लेना पड़ेगा। तो आपको 10 से 10:20 आपको टी ब्रेक मिल जाएगा, जिसमें चाय और आपको खाने के लिए कुछ स्नैक्स मिल जाएंगे, मैक्सिमम पकौड़े बन जाते हैं, किस दिन बोंडे बन जाते हैं, किस दिन बड़ा बन जाता है, मतलब वो डिफरेंट रहता है, मतलब 6 दिन का ट्रेनिंग में डिफरेंट बनता है। इस दिन चावल फ्राई बनता है, वो चावल फ्राई काफ़ी स्पेशल होता है फौज में, मैं जाके वहाँ पर सीखा कि उसमें कुछ बहुत सारे चीज़ें डाल के, मतलब वो सारे चीज़ें होता है। उसके बाद आप आ जाओ, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गया, 1:30 बजे आए, तो वहाँ पर से आने के बाद आपकी खाना मिलेगा, खाना में आपको रोटी मिलेगा, चावल मिलेगा, उसके साथ दाल मिलेगा, 2 सब्जी मिलेंगे आपकी। अगर आप नॉन मीटर हैं तो वहीं पर आप फंस जाते हैं, दोपहर में 2 ही सब्जी बनता है, एक मैक्सिमम अंडा रहता है, एक की कड़ी रहता है और एक सब्जी बनता है, ड्राई सब्जी बनता है, बस इतने, और फ्रूट रहता है साथ में ना, दिन में फ्रूट रहता है, कंपलसरी फ्रूट रहता है। तो वहाँ पर से ना थोड़ा सा नॉन मीटर वाले थोड़ा रोते हैं कि हमारे को एक ही सब्जी मिलता है, लेकिन मिलता वही है, क्योंकि 2 दिन में 3 सब्जी बनना बहुत मुश्किल है, कि 2 सब्जी और अंडे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बहुत सारे लोग होते भी है और इतने राशन भी नहीं आता कि सारे बन जाए। तो मैक्सिमम जो नॉन वेज वाले हैं वो सफ़र करते हैं, मतलब हफ्ते में मान लो 7 दिन है तो 4 दिन तो सफ़र करते ही है। थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है, खाना अच्छा नहीं है ट्रेनिंग के बाद, आने बाद ऐसे भी खाने के लिए मतलब ज़्यादा दिल नहीं करता है, मतलब इतना रगड़ा पट्टी आने के बाद। बस आप रोटी खाना चाहेंगे रोटी खा सकते हैं, मैं तो चावल ही खाता था क्योंकि मैं ओडिशा से बिलोंग करता था, तो वहाँ से हम बचपन से चावल ही खाते रहे, अभी तो रोटी खाना थोड़ा शुरू हो गया। तो वहाँ पर आप जैसे ही आपने रोटी ले लिया, चावल आपकी मर्जी है, जितना सब्जी आपको मिनिमम एक बंदा वहाँ पर मिलेगा आपको, जो भी कमांडर बोलेंगे, वो मेस की कमांडर बोलेंगे, वो आपको सब्जी देगा,
हाँ, अगर आपको दूसरी बार जरूरत है, अगर वो सब्जी अवेलेबल है तो आप जाके ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैक्सिमम एक ही बार मिलता है वहाँ पर, किस लिए झूठ बोलना, एक ही बार मिलता है। दूसरी बार अगर वो अवेलेबल है तब देगा, नहीं तो मुश्किल ही देते ही नहीं है। तो आप अंडे कड़ी बहुत सारे ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में अंडे बहुत आता है, आपको बहुत अंडे खाने के लिए मिलेगा। हाँ, ब्रेकफास्ट में मैंने एक चीज भूल गया, आपको अंडे बॉयल मिलेंगे वहाँ पर। ये किया जाता है कि बंदे को थोड़ा हेल्दी किया जाए, मतलब कभी कभी दूध गर्म हुआ मिलेगा आपको, कभी अंडे मिलेंगे, कभी चना जो दाल वगैरह होता है वो कभी भिगा के वो भी दे देंगे आपको, मतलब एडिशनल, जिसके बोलना जो मतलब उनकी डाइट ठीक ठाक रहे, मतलब आपकी वेट ना बढ़े और आपको प्रोटीन मिले या फिर एनर्जी मिले आपको क्या ट्रेनिंग करने के लिए। फिर उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, फिर 1:30 बजे ना आपकी वहाँ पर वापस आते हैं रूम पे, तो वहाँ पर आपकी ये वाला सिस्टम रहेगा, आपकी जो खाने करने का, साथ में एक फ्रूट रहेगा, फिर आपका हो गया। फिर आप उसके बाद थोड़े से आधा एक घंटे का रेस्ट मिलेगा, फिर आप वापस चले जाओगे, या तो गेम होगा, मतलब जो आप गेम्स खेलते हैं, जो भी गेम आपकी मर्जी हो खेल सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा श्रमदान होगा, जिसको हम वॉकिंग बोलते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी काम करवाया जाता है आप लोगों से, ताकि आपको मतलब मिट्टी के साथ आप रह सके, वहाँ पर थोड़ी सी मेंटेन करना, आपकी ट्रेनिंग एरिया मेंटेन करना, आपकी लाइनें जहाँ रहते हैं वहाँ पर मेंटेन करना, उसके आगे पीछे वो सारी चीज़ आपको ही करना पड़ेगा, कोई सिविलियन नहीं आ गया, ध्यान रखना। तो वहाँ पर जैसे हो गया, फिर आपकी 4:30-4 बजे लगभग आपको एक टी ब्रेक और मिलेगा, जहाँ पर आपको चाय मिलेंगे और या फिर कॉफ़ी मिलेगा, वहाँ पर कोई स्नैक्स नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा। उसके बाद आप चले गए फिर गेम में, गेम खेल के आए, शाम को आए। शाम को आने के बाद हर एक ट्रेनिंग सेंटर में वेट कैंटीन्स अवेलेबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स अवेलेबल होते हैं, हर ट्रेनिंग सेंटर में आज की डेट में आपको देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पर आप जाके अपनी पैसा पे कर सकते हैं, और वहाँ पर जितने भी सारे चीज़ें खाना बनता है, वहाँ पर जूस मिलते हैं, बहुत सारे स्नैक्स मिलते हैं, मिठाई मिलता है, तो आप खा सकते हैं। शाम ट्रेनिंग सेंटर में थे तो वहाँ पर ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह खाते थे, ताकि हमारा तो एनर्जी खत्म हो जाता था, वो बना रहे वहाँ पर ना, तो उस हिसाब से आप जाके अपने पैसा खर्च करके वहाँ पर खा सकते हो। उसके बाद आपको 4 बजे के बाद फिर आपको लंच मिल जाएगा, करेक्ट 8 बजे, 7:30 से लेके 8:30, 1 घंटा आपको मिलता है, सॉरी डिनर मिल जाता है। तो वहाँ पर सेम मिलता है आपकी, मैक्सिमम 3-4 दिन 5 दिन, आपकी हफ्ते में अगर 7 दिन है तो 3-4 दिन तो आपको वहाँ पर मीट खाने के लिए मिल जाता है, वहाँ पर बहुत मीट आता है ट्रेनिंग सेंटर में, तो 4-5 दिन तो आपको 4-5 दिन मीट मिल जाता है। जो नॉन वेज वाले हैं उनके लिए पनीर और मैक्सिमम पनीर अलग ही बनता है, क्योंकि दूध आपका ज़्यादा आता है तो आपकी दूध यूज होता है। रात को सेम 2 ही आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस होता है रात को, जैसे आप मीटर हैं, आप मीट खाते तो आप मीट खाएंगे, आपको कोई सब्जी नहीं मिलेगा, और जो नॉन मीटर है उसको पनीर मिलेगा और चिकन तो वो खाएगा नहीं। साथ में आप दूध ले सकते हैं, जो नॉन मीटर है वो रात को अपना दूध ले सकते हैं, वहाँ पर गर्म करके रखा होगा, जो भी नॉन मीटर है अपनी दूध पी सकते हैं, क्योंकि उनको भी एनर्जी चाहिए। अगर वो एक सब्जी में उनके काम नहीं बनेगा, उनकी मीट जो दूध बनता है 750 ml बनता है, तो 750 ml के हिसाब से उनकी जो बाकी दूध बच जाता है उनको गर्म करके दे दिया जाता है, फिर वो रात को पी लेते हैं। तो वहाँ पर से आपके खाने पीने का स्ट्रक्चर खत्म है। तो मोटा मोटी बोले मतलब 2 सब्जी मिलता है आपको, और रात में थोड़ा खीर फूर बन जाता है, सेमिया का खीर, डिफरेंट टाइप का खीर बनता है जिसको हम पुडिंग बोलते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप का आपका बनता है एडिशनल। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि ट्रेनिंग सेंटर में जो आर्मी का खाना है वो रेटिंग 5 out of 3.5 है, 3.5, क्योंकि वहाँ पर बाकी जो CAPF में होता है क्या होता है, उनके पैसों से वो आता है, तो पैसों से उनकी चॉइस के हिसाब से आ जाता है। मतलब मैक्सिमम अगर कोई बोला कि आज फिश बनना चाहिए, कल पनीर बनना चाहिए, कल मशरूम बनना चाहिए, तो बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा चीज़ नहीं है, जो राशन आर्मी सप्लाई कर आपको देता है उसी हिसाब से बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये था आपके खाने का स्ट्रक्चर, ज़्यादा सफ़र करना नहीं है, आप घर से अपनी अचार वगैरह हम लेके जाते थे, और जो UP वाले हैं, राजस्थान वाले, वो घी वगैरह लेके आते थे, तो वो अपना डाल डूल के खाते थे, ठीक है। खाना आपकी मेस में होगा, सारे एक साथ बैठ के खाएंगे, कोई जूनियर नहीं, कोई सीनियर नहीं, साथ में बैठ के खाएंगे, और वहाँ पर से खाते टाइम भी डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, ऐसा नहीं कि आप बात करे जा रहे हो, हल्ला करे जा रहे हो, वहाँ पर उस्ताद खड़े रहते हैं, वहाँ पर अगर आपको देख लिया फिर आपका वहीं पनिशमेंट शुरू हो जाता है। पनिशमेंट फौज में जब तक आप सर्व करोगे तब तक आपको मिलता रहेगा, इनडिसिप्लिन काम करोगे तो आपको मिलता रहेगा वहाँ पर प्रसाद के रूप में। तो इसीलिए खाते टाइम भी डिसिप्लिन, आपको लाइन से जाना है, प्लेट उठाना है, अपने प्लेट में लेना है, फिर वापस अगर दूसरी बार आपको कुछ चाहिए आएंगे, डिसिप्लिनली लाइन में लगेंगे, लेंगे, फिर खाना खाएंगे, प्लेट अपना रखेंगे और चल देंगे। तो ये है खाने पीने का प्रोसीजर। इसके अलावा आपको कोई और भी डाउट्स है, लड़कियों और लड़कों के लिए सेम है, आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद।